स्वागत है आप सबका वाइटिलिटी टी ट्वेंटी ब्लास्ट के एक और मुकाबले के अंदर ये मैच है लैंकेशर लाइटिंग बनाम नोटिंगम शायर के बीच में जो खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के ऊपर मैच टाइमिंग है रात के ग्यारह बजे तो सबसे पहले पॉइंटशिप का रुक करते हैं इस मैच की इंपॉर्टेंस समझते हैं क्या इंटेंसिटी होगी इस गेम की तो आप देखो जो लैंकेशाइर टीम है ये क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी आपको पता है दो ग्रुप है टी ब्लास्ट के अंदर एक नॉर्थ एक साउथ तो टोटल इस टूर्नामेंट में अठारह टीम्स खेलती है वाइट लिटी टी ट्वेंटी ब्लास्ट में एक ग्रुप में नौ टीम होती है तो ये जो नॉर्थ ग्रुप है ना इसके अंदर टॉप चार टीम क्वालिफाई करेगी क्वार्टर फाइनल के लिए नौ में से अभी आप देखो लंकेशर लगभग क्वालिफाई कर जानी चाहिए क्योंकि इस मैच के अंदर लियम लिमस्टर्न आ चुके हैं इस मैच में इन्होंने एक आयरलैंड के ऑलराउंडर को साइन किया है जॉर्ज डॉकरेल तो लैंकेशर बहुत ही स्ट्रांग टीम लग रही है वही जो नोटिंगहम शहर है बारह मैचेस खेली है दो जीती है आठ हारी है दो इनके मैचेस नो रिजल्ट गए हैं मात्र छ पॉइंट्स है और इस पूरे नॉर्थ ग्रुप के अंदर सबसे खराब इनका नेट रन रेट है माइनस के अंदर वन पॉइंट नाइन जीरो एट तो नॉटिंगम तो, 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 तो क्वालिफाई नहीं कर सकती क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में एक टीम चौदह मैचेस खेलती है ये टीम बारह मैच खेल चुकी इनके दो मैचेस बचे हुए हैं सिर्फ तो दे कांट क्वालिफाई तो नोटिंगम सिर्फ यहां पे औपचारिकता पूरा करने के लिए खेल रही है वही जो लेंगे शहर है ये खेल रही है टॉप टू जगह बनाने के लिए अब देखो अगर आप टॉप टू के अंदर फिनिश करते हो तो आप होम क्वार्टर फाइनल होस्ट करते हो यह सबसे बड़ा फायदा है तो देखते हैं इस गेम में किस तरह से लंके शायर खेलती है पंद्रह पॉइंट्स इनके नेट रन भी बड़ा कमाल का है वन पॉइंट वन वन जीरो तो इस वूडियो हम डिस्कस क्या करेंगे सबसे पहले पिच के बारे में बात रहूँगा कि कंडीशन कैसी होती है स्कोरिंग पैटर्न कैसा रहता है और वेदर द कैसा है क्योंकि लास्ट जो मैच यहाँ पर होना था वो बारिश के कारण कॉल्ड ऑफ हुआ था तो मैं आपको सबसे पहले वेदर फोकस की तरफ लेके चलता हूँ कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है वेदर फोकस का तो आप देखो ये मैच वहाँ पे शाम के साढ़े छः बजे के आसपास स्टार्ट होगा इंग्लैंड में अपने भारत के अंदर रात के ग्यारह रहे होंगे तब यहाँ पे वेदर क्लियर है ये देखो आप कहाँ गया वेदर फोकसड ये क्लियर एंड आउट मतलब बारिश के जीरो परसेंट चांसेस अब बारिश हो जाए तो यार अलग बात है मेरे को गूगल बागबा ने कहा कि वेदर फोकस एकदम क्लियर है मेरे पे मत चढ़ जाना आप ठीक है तो अब इस वीडियो में और क्या क्या डिस्कस करेंगे हेड टू वर्ड नंबर से वेन्यू नंबर से प्लेयर का फॉर्म है और लास्ट टाइम मैच भी देखेंगे तो पूरा वीडियो देखना आपको मजा आएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फायदा है क्या है लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं वहां पर हम बातचीत कर सकते हैं इंटरेक्शन कर सकते हैं तो मेक श्योर करें आप फॉलो कर ले लिंक नीचे है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के ऊपर मैच है जहां पर हमने रिसेंटली सात जुलाई को मैच देखा था लंकेशर वर्सेज वायर का मैच था वन एटी वन बना था उस गेम के अंदर चार विकेट के नुकसान पे चेसिंग टीम ने इसको चेस कर लिया नाइनटीन पॉइंट फाइव ओवर के अंदर वन सेवेंटी सिक्स बना आठ विकेट नुकसान पे चेसिंग टीम ने वन सिक्सटी एट बनाया छह विकेट के नुकसान पे वन सेवनटी नाइन बना कहने का मतलब एक सौ अस्सी का टारगेट रहा चेसिंग टीम एक सौ बाईस रन पे दम तोड़ देती है पिछहत्तर बना ये पहला मैच था इस वनी के ऊपर लंकेशर और धरम काम ने कवर भी किया था तो उसके अंदर डरम ने पिछहत्तर बनाया था और लंके शायर उसको चेज कर रही थी मात्र आठ ओवर के अंदर तो ये कह सकते हो आप ये जो वेन्यू है ना ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर ये किला है इट्स अ फोर्ट फॉर लंकेशर टीम फोर्ट्रेस इनके लिए हमेशा यहाँ पर जीतते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 109 मैचेस खेले हैं तीन मैच इनके यहाँ पे टाइव हैं और 79 मैचेस जीते हैं कितना बढ़िया इनका विनिंग परसेंटेज है नोटिंग हम यहाँ पर ग्यारह मैच से दो मैचेस जीती है आठ हारी है एक मैच इनका टाइव आए यहाँ और जो इस साल यहाँ पे चार मैचेस हुए दो मैच बैटिंग फर्स्ट दो मैचेस यहाँ पे चेस कर तो जीते गए हैं मेरे लिए लंके फेवरेट है चाहे बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे बात खत्म है यहाँ पर प्रति और नौ के आसपास रन बनते हैं सीधी बात है अगर लंकेशर पहले बैटिंग करती है तो 180-200 के आसपास स्कोर बन सकता है नॉटिंगम पहले बैटिंग करती है तो 150 से 160 के आसपास स्कोर बन सकता है क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक टीम की पोटेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है उस हिसाब से मैं आपको एवरेज स्कोर बता रहा हूँ ना कि मैं सीधा ग्राउंड का एवरेज स्कोर आपको बता के खत्म कर दूँ मैं दोनों टीम्स को इस वेन्यू के ऊपर फिट करके आपको एवरेज स्कोर बता रहा हूँ उसमें मजा भी आता है इसमें आपका और ज़्यादा स्किल यूज होता है तो अब देखो जो लास्ट मैच था यहाँ पे लंके शहर वर्सेज वोचेस्टर शहर का उस गेम में आठ विकेट पेसर का था तीन विकेट यहाँ पे स्पिनर्स के थे ओवरऑल जो यहाँ पे चार मैचेस इस साल हुए हैं चौंतीस विकेट्स यहाँ पे पेसर्स ने निकाले हैं पहली बारी में इक्कीस दूसरी बारी के अंदर तेरह राइट आर्म पेसर उनतीस लेफ्ट आर्म पेसर पांच स्पिनर्स की बात करते हैं सत्रह विकेट निकाल चुके हैं आमतौर पर जो ओल्ड ट्रैफर्ड का विकेट है ना यह स्पिन को फेवर करता था इस सीजन में भी किया थोड़ा बहुत बट देखते हैं इस गेम में किस तरह की पिच होती है अगर पिच की फोटो मिल जाती है तो बहुत बढ़िया होगा दुआ करता हूँ मैं मिल जाए ट्विटर के ऊपर ही कभी कभार पोस्ट कर देते हैं तो सात विकेट यहाँ पे पहली पारी के अंदर स्पिनर्स ने निकाला दूसरी पारी के अंदर दस ऑफ स्पिनर्स का सात लेग स्पिनर्स का पांच चाइनामैन का दो और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का तीन विकेट है तो मेरे हिसाब से दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पहली पारी में पेसर्स दूसरी पारी में स्पिनर्स ये पिच देखो आप जब लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ मैचेस होते तब की ये थी मतलब ठीक ठाक सरफेस है हार्ड रोलर का इस्तेमाल किया जाता है इस पिच के ऊपर तो इस वजह से पिच ठोस रहती है ये देखो आप ये आपको होटल दिख रहे हैं पीछे ये स्टेडियम के अंदर ही या कह लो स्टेडियम के जस्ट बाउंड्री के ऊपर यहाँ पे होटल बने हुए हैं और वहाँ पे आप जा भी सकते हैं ओल्ड ट्रेफर्ड मैनचेस्टर होटल नाम है मैंने बुकिंग डॉट कॉम पर देखा था अभी कुछ दिन पहले सामने की बाउंड्री यहाँ पे सत्तर स्क्वायर आपको पैंसठ से सत्तर मीटर तक देखने को मिल सकती है टर्न भी यहाँ पे देखने को मिलता है जो मैं आपसे कह रहा था लास्ट ईयर द हंड्रेड में देखने को मिला था स्टेडियम का व्यू है बहुत ही प्यारा स्टेडियम है पासी के अंदर रेल नेटवर्क है फुटबॉल का भी यहाँ पे ग्राउंड आपने सुना होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई टीम है फुटबॉल की तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैनचेस्टर के अंदर आपको देखने को मिलती है तो कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट कमेंट करके बताना मेरे को वेदर फोकस क्लियर है दोनों टीम्स ने आपस के अंदर तैतीस मैचेस खेले हैं जीती है जीतीम सोलह एक मैच टाई हुआ है और तीन मैचेस नो रिजल्ट गए और इस मेने के पर दोनों टीम्स ने करीबन ग्यारह मैचेस खेले हैं। एक मैच टाई लंकेशर आठ जीती नॉटिंग दो फिलिप सॉल्ट ओपन करेगा लुकविल्स के साथ किरटन जेनिंग्स कप्तान वन डाउन टॉम ब्रूस लिविंगस्टन स्टीवन क्रॉफ्ट क्रिस ग्रीन टॉम आर्टली ल्यूकुड टॉम एक्सपिन वॉल शाकिब महमूद अगर टीम को लगता है कि लिविंगस्टन टू डाउन खेले तो क्या करेगी टीम ये जो टॉम बुरुस उसको बाहर करके डॉकरेल को डाउन ऑर्डर खिला लेगी नोटिंग शायर जो क्लार्क ओपन करेगा बेंजामिन मार्टिन डेले के साथ बैन स्लेटर आते हैं वन डाउन लेफ्ट ही है फिर आपको जैक मैट मोन्टोगी टॉम मोर्स लिनॉन जेम्स लियम पैटरसन वाइट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर अच्छा प्रदर्शन रहा है कैलेवन एरिसन लग गई है ऑल स्टोन फास्ट बॉलर फारूकी ओवरसीज प्लेयर अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर है अब प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं फिलिप सॉल्ट ने हेड टू तो डे के अंदर तीन मैच खेला नोटिंग हम के खिलाफ सत्तावन रनस है बैटिंग फर्स्ट ग्यारह चौंतीस बारह एक का स्ट्राइक रेट है और इस मैदान के ऊपर यह प्लेयर तेईस मैचेस खेल चुका है छः सौ बीस रनस है तीस की औसत है आठ कैच चार स्टंपिंग और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लुक वेल्स इनके साथ ओपन करने के लिए कह रहे थे मैंने बहुत कम ओपन गैस भाई के साथ हम सबको पता था कितना बड़ा प्लेयर है फिलिप सॉल्ट जब हमने इसको स्टार्टिंग में खेला था खेलते हुए देखा था तो बड़ी तारीफ करी इसकी फिलिप सॉल्ट की उनका कल इंटरव्यू देख रहा था मैं पाँच पच्चीस नाबाद ग्यारह एटी सेवन नॉट आउट ग्यारह बारह इस तरह से फॉर्म है मेरे हिसाब से अच्छी पारी खेल सकता है फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस बंदे के पास है लुक वेल्स चार ये है लुकवेल्स चार मैच में बासठ रन बैटिंग फर्स्ट अड़तीस से इस पर अठारह नाबाद छः तीन विकेट है बॉलिंग फर्स्ट दो में दो बॉलिंग सेकेंड एक में एक वैननी के ऊपर अट्ठारह मैच तीन सौ रन सोलह विकटें हैं बैटिंग वीरो चार नाबाद अड़तीस छप्पन तेरह छियासठ पांच चीज के ऊपर तीस पाँच छब्बीस चार एक एक उनचास नाबाद बॉल सेकंड में बहुत अच्छे से पहला है सात मैच में दस बॉलिंग फर्स्ट में नौ मैचों में सिर्फ छह विकेट्स हैं रिसेंट फॉर्म डिप है पिछले तीन मैचों में एक रन जीरो विकेट सात रन जीरो विकेट नौ रन जीरो विकेट उससे पहले बहुत अच्छा फॉर्म था आप देखें पैंतीस रन दो विकेट छः रन एक विकेट छियासठ रन दो विकेट पांच रन दो विकेट चौतीस रन दो विकेट उनचास रन केटॉन जेनिंग्स का ग्यारह मैचेस में तीन सौ बाईस रनस लास्ट टाइम भी चमका था एटवर्ड के अंदर सिक्सटी फोर की खूबसूरत पारी खेली थी इसने और हम हमेशा बात करते हैं ऐसे प्लेयर्स के बारे में जो टॉप ऑर्डर में खेलते हो इनिंग्स को एंकर करते हो उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है तो उन्हीं में से केटॉन जेनिंग्स है बहुत सही प्लेयर है छब्बीस मैच वेन्यू पे साढ़े पाँच सौ रनस है और बहुत ही डेंजरस प्लेयर है स्पेशली देखा जाए तो इनिंग्स को एंकर करने के मामले में लंबा खेलने को देखते हैं मैथ्यू हर्स्ट शायद बेंच पे जा सकते हैं तैंतीस रन से चेस करते हुए हेड टूड में वेन्यू ऊपर चार मैचों में पैंतीस रन से लिविंगस्टन का आठ मैचों में एक सौ तिहत्तर रन सब अगेंस्ट नोटिंगम नौ विकेट है हर बार बॉल सेकंड किया है हर बार बैट फर्स्ट किया है नौ तीन तैंतीस बाईस तीस बत्तीस चौंतीस हर बार थर्टीज में स्कोर किया है वेन्यू के ऊपर चम्बालीस मैच साढ़े ग्यारह सौ रन है बत्तीस की औसत सौ सात फिफ्टी है चालीस इनिंग्स के अंदर इक्कीस विकेट है और अंडर एट इकोनॉमी है वर्ल्ड कप बहुत ख़राब गया था लिवी का देखते हैं यहाँ पर क्या कर पाते हैं जॉर्ज लेवले एक मैच में बीस रन है स्वेन्य के ऊपर चेस करते हुए टॉम ब्रूस ने एटोर्ड में बाईस किया था चेस करते हुए वैनिक के ऊपर चार मैचेस में नाइन्टी सिक्स रनस है रिसेंटली जो यहाँ पे सात जुलाई को मैच हुआ था वुडचेस्टर के अगेंस्ट जो ये टीम जीती थी लेंकेशर उनके खिलाफ तो उसके अंदर इस बाइस की फिफ्टी आई थी बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो बैटिंग फर्स्ट ग्यारह पैंतीस और पचास का बाद है स्टीवन क्रॉट सत्ताईस मैच साढ़े छह सौ रन सात विकेट उनचालीस की औसत है वैनिक के ऊपर एक सौ एक मैच खेल चुके हैं ड uh, वेटरन आप इसको कह सकते हैं फील्डिंग भी बहुत शानदार करते हैं जैसे फैब डुप्लेसिस करते हैं एज का उनको फर्क ही नहीं पड़ता ठीक है तो इनके दो हजार रनस है पच्चीस विकेट्स है तेरह शतक है नाइनटी टू इनिंग्स में क्रिस ग्रीन बट वही बात है बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है सोलह अट्ठाईस नौ उनतीस पांच नाबाद छब्बीस सत्रह इसका फॉर्म और टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा ना तो स्टीन ग्रोफ बहुत अच्छी पारी खेल सकता है वर्स्ट केस वाली कंडीशन में फिर आपको इसको पिक करना है क्रिस ग्रीन का दो मैचेस में दो विकेट है बॉलिंग फर्स्ट एक मैच में दो बॉलिंग सेकंड विकेट लेस बहुत शानदार प्रदर्शन रहे चार मैचेस के अंदर सात विकेट है तिरसठ रन है जिस वेन्यू के ऊपर और फॉर्म देखो चौबीस रन दो विकेट तीन रन दो विकेट अड़तीस रन दो विकेट पंद्रह रन एक विकेट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो वैल्यू देके जाता ही है प्लेयर क्रिस ग्रीन इज द नेम टॉम आर्टली का आठ मैच में दस विकेट है ये भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि नोटिंगहम की टीम ऑल आउट हो सकती है बॉलिंग फर्स्ट तीन मैच में पांच बॉलिंग सेकंड पांच मैच में पांच विकेट है के ऊपर चौतीस मैच में छब्बीस विकेट है विद द बैट इकहत्तर रन सत्रह आवर यहाँ पे विकेटलेस गया आप सोचो चौंतीस मैचेस खेल गए इकतीस इनिंग्स में बॉलिंग कराई तो है टॉम एसविनवॉल तीन में पाँच विकेट है रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा डिप है जीरो एक जीरो चार जीरो एक चार लिकवुड का आठ मैचेस में छः विकेट प्लस एक्स प्लेयर है नोटिंग नम का वैन्यू कीपर उनतीस मैच में छत्तीस विकेट सब कमाल की गेंदबाजी करते हैं बॉलिंग फर्स्ट के अंदर पिछले तीन मैचों में विकेटलेस गए हैं दिस इज एन अपसेट फॉर दिस टीम शाकिब मोहम्मद का पाँच मैच में छः विकेट है ये विकेट टेकर रहा है दो विकेट तीन विकेट एक विकेट एक विकेट दो विकेट शाकिब मोहम्मद सीरियसली हैवी विकेट टेकर अठारह मैचों में अठारह विकेट है सोनी के ऊपर ये भी है जैक बैथरविक विक स्कॉड में है स्टैट्स मैंने दिए आपको डॉकरेल रिसेंट फॉर्म बीस ग्यारह तीस नाबाद तीन सत्रह आयरलैंड से आते हैं ये लिंस्टर लाइटनिंग ले खेलते हैं वहाँ तो थोड़ा कनेक्शन है लाइटनिंग लाइटिंग का तो अब देखो पिछले गेम में लिक्विड का था पहला तीसरा पाँचवा उन्नीसवा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकेंड लास्ट मैच है थर्ड लास्ट मैच शाकिब का दूसरा चौथा छठवा बीसवा टॉम एस्पिन का सातवा सत्र था क्रिस ग्रीन का आठवां ग्यारहवा पंद्रवा अठारवा हार्टली का नौवा तेरवा लुक विल्स का था दसवां बारवा चौदवा सोलवा तो देखते हैं इस गेम में लिविंगस्टन भी आ गया किसके ओवर कटेंगे देखने लायक होगा ये या वो बॉलिंग ही नहीं करे ये भी हो सकता है बेंजामिन हेड टूड वेन्यू खेला फॉर्म चालीस दो तीन इक्कीस सत्तर ठीक ठाक है बट देखते हैं जो क्लार्क पंद्रह मैचों में दो सौ चालीस रन छत्तीस की औसत है रन फिफ्टी फोर का स्ट्राइक रेट है बैटिंग फर्स्ट पच्चीस एक पाँच चार छः जीरो बैटिंग फर्स्ट में कुछ नहीं किया चेस के ऊपर नौ बयालीस जीरो सतर सत्रह चार दो बयालीस वैनी के ऊपर दस मैच एट्टी फोर रन से मात्र एक अच्छी पारी है वरना सारे सिंगल डिजिट स्कोर सा एक चार दस चेस पे नौ बयालीस जीरो छह जीरो दस को यार सिंगल डिजिट ही मान लो एक नंबर ही तो कम है दस को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने में टेन माइनस वन नाइन तो एक रन अपनी क्या फैंटेसी में इतना अल्टर करेगा कुछ करता है मैं जानता हूँ जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट्स भी अल्टर करते हैं मेरे को भी पता है वो जैक एनस का चार मैचेस में वन थर्टी नाइन रनस है बैटिंग फर्स्ट उन्नीस पैंतालीस पर आउट चेस पे बारह और तिरसठ रिसेंट फॉर्म डिप है बहुत ज़्यादा सात तीन तेरह अठारह अठारह पाँच क्या ही कहना भाई है। के वेन्यू के ऊपर बारह रन से चेस करते हो बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो ये सही प्लेयर है पूरे चार ओव डालता चाहे कुछ भी हो जाए मैंड मॉन्टोगोर्मी लास्ट गेम में पिटाई भी हुई थी इसकी जब मैंने कवर किया था लंडन जेम्स ने तीन विकेट निकाले थे आपको याद होगा तो बहुत पिटा था मॉन्टोगी तो भी उसको बॉलिंग दी थी हुआ तो ये जो है ना जोग लार्के का खास प्लेयर है जो कप्तान इस टीम के फोर्टी रन से चेज़ करते हुए वन का स्ट्राइक रेट है ठीक ठाक वैल्यू दी जाता आपको साउथ अफ्रीकन तो प्लेयर है वैसे टॉम मूर्स का ग्यारह मैचेस में दो रन से तीन कैच स्टम्पिंग वेन्यू के ऊपर पाँच मैच सेवेंटी की औसत बिकॉज ये यहाँ पर आउट नहीं होता है वन फिफ्टी नाइन रन है पांच कैच दो स्टम्पिंग है इस के ऊपर ट्रेंट है रॉकेट्स जो टीम है द हंड्रेड उसके लिए खेलता है इस वेन्यू के ऊपर नहीं यार वो तो दूसरा वेन्यू हो गया ठीक है इसको इसको मत सुनना जो मैंने आपको होगा इसको मैं कट भी नहीं कर सकता अब लियम पैटरसन वाइट ऐसा कुछ नहीं है ये तो ओल्ड ट्रैफेड पे मैच है मैं क्या बोलिया लायम पैटर्सन वाइट फोर्टी फोर रन से एक विकेट रिसेंट फॉर्म सीरीज की बहुत अच्छा है अट्ठाईस रन एक विकेट एक रन दो विकेट शांति से अपना काम करके चला जाता है ये लुडॉन जेम्स बहुत सही फॉर्म है इसका भी बॉलिंग फर्स्ट में बैक कर सकते हो ओवरऑल दो मैचेस में उन्तीस रन से जीरो विकेट है वेन्यू के ऊपर सोलह रन से चेस करते हो रिसेंट फॉर्म बाईस रन एक विकेट सात रन तीन विकेट पंद्रह रन एक रन दो विकेट बैन स्लेडर कुछ खास नंबर्स नहीं है कैलेम हेरिसन का पाँच मैच में चार विकेट्स हैं वेन्यू के ऊपर छह मैच में सात विकेट है ये खेल चुका है ये है वो प्लेयर जो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए द में खेला था दंड्रेड का एक्सपीरियंस है इसको इस वेन्यू का तो देखते हैं क्या कर पाता है रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है ऑल स्टोन का छः मैचेस में सात बॉलिंग फर्स्ट तीन में दो बॉलिंग सेकंड तीन में पाँच वेन्यू के ऊपर तीन मैचेस में छः विकेट है फारूखी नई गेंद से विकेट्स निकालने के लिए जाना जाता है सामने सॉल्ट होगा सामने लुक होगा किसी न किसी को आउट करेगा ये ल्यूक फ्लैचर नौ में पाँच वेन्यू के ऊपर तीन में जीरो और स्पेशली फारूकी बॉलिंग सेकंड गिर रहे हैं तो पक्का बैक टू बैक तीन ओवर डालेगा कम है बॉलिंग फर्स्ट में तो गारंटी नहीं है कि बैक टू बैक तीन ओवर डाले तो पिछले गेम में देखो क्या होता फारूकू ने डाला था पहला तीसरा पांचवा अठारवा आई I मीन mean, नॉली स्टोन ने फारूकी का था दूसरा चौथा पंद्रवा उन्नीसवा मॉन्ट छठवा सोलवा लियम पैटरसन वाइट पांचवा सात आई I मीन mean, सातवा नौवा सत्रवा और कैलविन का आठवा ग्यारहवा तेरवा लुडॉन का था दसवा बारवा चौदवा अब आते हैं जरा मैच्स की तरफ लुक वेल्स अप अगेंस्ट ऑलिस्टोन छह गेंद एक गे गे रन दो इनिंग्स में एक बार आउट किया है सॉल्ट वर्सेज ऑलिस्टोन आठ गेंद दस रन दो इनिंग्स में एक बार आउट किया है किडोन जैनिंग्स अप अगेंस्ट कैलमेनिट अट्ठाइस गेंद तैंतालीस रन तीन इनिंग्स में दो बार चलता गया है फ्लैटचर ने पच्चीस बॉल में पैंतालीस रन देखे पाँच इनिंग्स में दो बार आउट किया है टॉम ब्रूस अगेंस्ट लियम पेटरसन वाइट दो बॉल जीरो रन एक इनिंग्स में एक बार आउट किया है स्टीवन क्रॉफ्ट अगेंस्ट ऑलिस्टोन फ्लैटचर एक एक बार आउट हुआ है और तो और लिविंगस्टन अगेंस्ट कैलविन टेन बॉल थर्टीन रन डिसमिस तो अवेलेबल नहीं है बटलर का भी फॉर्म वगैरह मैच वगैरह निकाल के रखा था भाई खेल दे तो जो क्लार्क अगेंस्ट मिथ स्टैनली अवेलेबल नहीं है लिविंगस्टन ने जो क्लार्क को सत्रह गेंद में सोलह रन दे के चार इनिंग्स में दो बार आउट किया है ली कुछ अच्छा खेलते चौतीस गेंद में छियासठ रनस है सात इनिंग्स में एक बार आउट किया है मैं ड मॉन्ट ग कोई खास ऐसा मैचअप नहीं बट देखते हैं स्पिन के सामने स्ट्रगल है स्पेशली लेग की और सामने दो दो लेग स्पिन लुक वेल्स लिविंगस्टन टॉम मूर्स अगेंस्ट लुकवर्ड सत्ताइस गेंद पैंतीस रन चायनिंग्स में दोबारा आउट किया है और कॉमन कैप्टन लुक विल्स क्रिस ग्रीन लग जाना तो सॉल्ट है लिविंगस्टन है थोड़ा सा और अलग जाना आपको हटके किटॉन जिनिंग्स और मैथ्यू मॉन्ट को आप ट्राई कर सकते हैं टीम्स बना लेते हैं फटाफट बिना देरी करे कीपिंग सेक्शन में जो क्लार्क है जो अच्छे ऑप्शन है बट इस गेम में सोल्ट आपको दिख जाएंगे जो क्लार्क को भी आप बैक कर सकते हैं दोनों बहुत अच्छे ऑप्शनस है वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर कप्तान और ऑटिंगम का अभी फिलहाल मैं फ्लिप सॉल्ट ले रहा हूँ जगह बचेगी तो जो क्लार्क की तरफ मैं चले जाऊँगा ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है मेरी जो क्लार्क से केटन जेनिंग्स ज़्यादा पसंदीदा प्लेयर है स्टीवन क्रॉफ्ट का बैटिंग ऑर्डर नीचे हो जाएगा इस गेम में सीधी बात है जैक है इससे फिफ्टी फिफ्टी प्लेयर बैटिंग फर्स्ट में आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो टूर्नामेंट बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था उसको आगे नहीं ले जा पा रहा है हमारा भाई अब आते हैं जरा ऑलराउंडर में क्रिस ग्रीन ल्यूक विल्स मॉन्ट मॉन्ट गोर्मी लर्डन जेम्स वॉलिंग फर्स्ट में मेरे को बहुत स्पेशल लगता है आमतौर पर लिवी मैंने ले रखा है और ये जो प्लेयर है ना उसको जनता नहीं लेती है लियम पैटरसन वाइट बहुत सही प्लेयर है जिसको मैंने करीब से देखा बॉलिंग करते हुए करीब से इन द सेंस की मैचस के अंदर ध्यान से क्योंकि नया बॉलर था तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया था बहुत ही स्मार्ट बॉलर है तो आप प्रीफर कर सकते हैं यहाँ से आपके पास टॉम हार्टली की इंपॉर्टेंस बढ़ सकती है इस गेम में कहाँ हमारा टॉम हार्टली वैसे अभी तक इसने इस टूर्नामेंट के अंदर ना दो मैचेस खेल लिए हैं मात्र सत्ताईस वोट दिए भाई ने है तो बहुत बढ़िया प्लेयर है तो हम आठली विकेट्स निकाल सकता है इस गेम में बहुत से राइटी बैटर से मिडल ऑर्डर में फारूकी लिया है मैंने विकेट टेकर रहा है एसपिन वॉल दिन रहा विकेट पर हल्की सी ग्रास रेस के पास स्पेस है रश करता है बैटर्स को लूकड़ू मैंने लिया है शाकिब लिया है मेरी टीम यही बन गई एलेवन प्लेयर आप ऑलिस्टोन ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं लियम पैटरसन वाइट इंस्टेड ऑफ़ फ़ारूकी अगर आपको लग रहा है फारूकी का शायद इतना काम ना हो तो ऑल द बेस्ट जो क्लॉर को भी मैं भी कह रहा हूँ प्रीफर कर लेना मैं लास्ट मिनट पे देखूंगा कहीं परमोटेशन लगा के मेरी टीम में फिट बैठता है नहीं ये किसी दोनों में से एक प्लेयर को निकाल दूंगा वरना मैं कैप्टनसी में बेस्ट तो ये दो ही है क्रिस ग्रीन और लुकविल्स देखते रहे स्टार्स रू जो मिलता है हमसे टेलीग्राम के ऊपर लिविंगस्टन को भी आप एज अ कैप्टन ट्राई कर सकते हो क्या पता बॉलिंग करने आ जाए कोई कन्फर्मेशन नहीं इनकी बॉलिंग की सी सोन जय हिंद एंजॉय द गेम एंड ऑल द बेस्ट